किराया नहीं भर पाएगा फिल्म का, कोई रिकॉर्ड तोड़ दे तो मैं मुंह छेले सर अक्षय कुमार की। सैयद की माँ कौन है आप बताइए? ठीक है, नरगिस हसन दाऊद की बहन, दाऊद इमरान का उसकी बहन का लड़का हो दाऊद, हम जानते हो अपना नाम गुजरात से, इसको देखने के लिए सिर्फ गुजरात से यहाँ पे आए। डुप्लीकेट है मैडम, अपने जो इंडिया वाले हैं वो सिर्फ डुप्लीकेट ही करते रहेंगे साउथ का। दूसरा भागा है, तीसरे की डिमांड करेंगे। कैसे भाईगी नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में, तो आइए यहां जानते हैं कि यहां के लोगों में केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर क्या क्रेज है। मैं बहुत खल्लाक आ चुका इसमें, खल्लाक आ चुका है संजय दत्त, खल्लाक। तो संजय दत्त के लिए आए आप लोग? आप किसके लिए आए? मैं आया हूँ रोकी के लिए। संजय दत्त मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो रोकी का एंट्री दिखाई है पहली एंट्री पे पैसे वसूल है, और आप एंट्री देखते रहेगा हर एंट्री पे पैसे वसूल है। केजीएफ चुटिया से वसूल, टैटू से वसूल, कटिंग से वसूल, हर चीज से। पुष्पा का रोल नीचे कटा दिया और केजीएफ उठ चुकी है। दिस मूवी इज वेरी स्टैंडिंग, आई लाइक दिस मूवी। वैसे भी हाउसफुल है, टिकट तो मिलेगी नहीं। कितनी देर से खड़े हैं आप? कितनी देर से? 15-20 मिनट हो गए होंगे। डेढ़ घंटे से जब ये बारह वाला शो में टिकट नहीं मिली हमें, टिकट नहीं मिली है, बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक को इस मूवी के लिए इतना जोश है। एक बात चाहता हूँ, इस फिल्म के अंदर कोई किराया नहीं भर पाएगा इस फिल्म का, कोई रिकॉर्ड तोड़ दे तो मैं मुंह छेले सर अक्षय कुमार की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी की, तो ये देखना रोचक होगा कि ये मूवी इन एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतर पाती है या नहीं। तो आइए, भाग भी आने वाला है उसका तीसरा चैप्टर भी आने वाला है। आएगा इंतजार रहेगा, तीसरे का जरूर इंतजार रहेगा, पूरी पब्लिक को, इससे पब्लिक डबल पब्लिक को इंतजार रहेगा इस तीसरे भाग का। ये पहला चैप्टर हमने देखा है, फुल मजेदार था, और दूसरा जो चैप्टर जो आया जो मैं देख कर गया फर्स्ट टाइम। देखो भाई, आप एक बार देख चुके हैं? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम देख चुका हूँ। अभी जो पहला चैप्टर था वो मैं देख के गया हूँ, अच्छा एंजॉय लगा। लेकिन जो तीसरा आएगा उसके अंदर जो एंजॉय होगा भाई, पूरी दुनिया को इंतजार है उसका। तो आप ये देख चुके हैं, तो आपको कैसी लगी ये मूवी? बहुत अच्छी लगी मूवी, की आप पैसा वसूल है। फर्स्ट से अच्छी थी या बेकार? फर्स्ट भी अच्छी है, फर्स्ट से अच्छी तो खैर कोई बात नहीं, पर लेकिन दूसरा भाग बहुत अच्छा रहा है। यश के लिए क्या बोलना चाहेंगे? यश तो अपना ब्रो है यार। जो ये दिखाई गई है सब भाई लोग देख रहे हैं, लेडी जेंटलमैन देख रही है, जो ब्लैक कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है। रोकी भाई हमको बहुत दुख हुआ, 75 में देखी है, महंगी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सस्ती कर दी आपने। किसी 500 में भी देख रहे हैं बंदे, 1000 में भी देख रहे हैं, मगर जो जो फिल्म दिखाई गई है ना भाई, लाइक देंगे। दूसरा भागा है, तीसरे की डिमांड करेंगे। संजय भाई की, संजय दत्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संजय दत्त हमारे लिए फेवरेट चीज है, मैं संजय दत्त के बारे में फेवरेट हमारा हीरो ही है, इस वजह से मैं उसको लाइक करता हूँ मैं। तो आप संजय दत्त की वजह से मूवी देखने? हाँ, इस संजय दत्त की मूवी देखने आया हूँ मैं। क्या लगता है संजय दत्त का कैसा रोल रहेगा इसमें? संजय दत्त किस रोल लगता है कि किस जमाने में ड्रग्स नशा करता था, उसके ब्लड चेंज किया हुआ था, सब कुछ किसके बारे में, लाइफ के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ मैं। बहुत बड़े फैन मिल चुके हैं यहाँ हमें संजय दत्त के। आपके फ्रेंड मिले होंगे, फिर भी आपको उससे फ्रेंड नहीं मिले होंगे, उससे ब्लड चेंज होता है, क्योंकि उसका दाऊद इमरान का उसकी बहन का लड़का हो दाऊद, हम जानते हो अपना। संजय दत्त की माँ कौन है आप बताइए? नरगिस है ना? हाँ। ठीक है, नरगिस हसन दाऊद की बहन, अब समझ लीजिए उस चीज से इंटरेस्ट नहीं दे सकता मैं। तो आप अभी केजीएफ मूवी देखकर आए हैं, आपको कैसी लगी है मूवी? बहुत लाजवाब है, बहुत मस्त है, बहुत ज्यादा, बहुत जवाब ही नहीं है। यश की एक्टिंग कैसी लगी? लाजवाब, जितना फर्स्ट भी आ रहा है उसका, तो फर्स्ट से अच्छी थी या अच्छी थी?
और अभी ये जो संजय दत्त की एंट्री हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी बिल्कुल धांसू एंट्री थी। काफी देर से खड़े हैं तो टिकट नहीं मिला? नहीं अभी नहीं मिला। हाउसफुल है, पौने तीन पौने तीन बजे मिलेगा, तो आप वेट करेंगे तब तक यहाँ? बिल्कुल करेंगे। स्पेशल कोई हीरो, कोई जैसे कि संजय दत्त की एंट्री हुई है, रवीना टंडन, कुछ आपको उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कैसा रहेगा उनका? देखते हैं अब अंदर जाके। संजय दत्त के लिए आए ज्यादा कर तो। संजय दत्त के लिए आए हैं। अच्छा, KGF मूवी देख ली आपने? अभी तक तो नहीं देखी हमने KGF 2। है ना, हम गुजरात से इसको देखने के लिए सिर्फ गुजरात से यहाँ पे आए। इसको देखने के लिए आप गुजरात से यहाँ तक आए? इतना क्रेज है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसी रहेगी मूवी? पैसे वसूल होंगे? पैसे तो बिल्कुल वसूल हो गए, बिल्कुल यानी एक्चुअली पूरे वसूल हो गए। पर एक्चुअली दोस्त के साथ जो मजा आता ना, वो किसी के साथ मजा नहीं आता। तो आप स्पेशली यहाँ, आपका कोई फेवरेट एक्टर, कोई फेवरेट कैरेक्टर, जिसको जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है इस मूवी में? ये KGF और ये खलनायक। मतलब खलनायक और KGF दोनों के दोनों कैरेक्टर हीरो है अपने। संजय बाबा अपने तो फेवरेट हीरो है। संजय दत्त के लिए आए आप यहाँ तक? हाँ, KGF के लिए और संजय बाबा के लिए। आपने KGF मूवी देख ली? नो, आई हैवंट वॉच्ड। तो आपको क्या उम्मीद है इस मूवी से? आई थिंक इट विल बी ब्लॉकबस्टर, बिकॉज इट्स फॉर द, आई मीन फर्स्ट पार्ट ऑफ द KGF वाज ऑसम, सो आई वांटेड टू वॉच दिस मूवी, बट आई वाज अनेबल दैट टाइम, सो आई वांट टू वॉच दिस मूवी राइट नाउ। तो अभी कह रहे हैं इस मूवी में संजय दत्त का बहुत क्रेज लग रहा है लोगों को, तो अबाउट द संजय बाबा, बिकॉज आई मीन आई लव यश, इट्स आई मीन साउथ। आप यश के फैन है? या ऑफ कोर्स। तो ये इस मूवी की जो मेल फीमेल लीड है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट थिंक, बिकॉज इट्स अ मूवी बेस्ड ऑन द ओन जस्ट और रॉकिंग स्टार, यस, सो आई एम क्रेजी अबाउट इट। अभी हाल ही में एक और जर्सी मूवी भी रिलीज होने वाली थी, जो कि KGF डुप्लीकेट है मैडम। अपने जो इंडिया वाले हैं उसी डुप्लीकेट ही करते रहेंगे साउथ का, तो वो इसकी वजह से 2 हफ्ते पीछे चली गई थी। तो क्यों नहीं आ पा रही है KGF का इतना क्रेज क्यों है? मैडम देख क्या रहे, फिर बता रहे हैं आपको, आप फिर से देख के पता लगेगा। तो देख के ही पता चले, खाली ट्रेलर देखें, ट्रेलर मस्त है। ट्रेलर कैसा लगा? बढ़िया लगा है मैडम। फर्स्ट मूवी को पीछे छोड़ पाएगी? हाँ, फर्स्ट पहले वाली को छोड़ देगी पीछे। नहीं नहीं, पहले वाली से ज्यादा नहीं छोड़ेगी। KGF नहीं सही था, KGF बढ़िया था, इसमें देखने के बाद ही पता चलेगा भाई। ये तो है, इसके हिसाब से बढ़िया है। आपको क्या लगता है इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन है? ये मूवी, सारे मूवीज कैसे बाहुबली और उन सब के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मैम इनसे पूछिए, इन्होंने देखा है आई गेस अभी तक जितना भी रिव्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि हाँ ये कर पाएगी, क्योंकि सब उसको अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, तो होपफुली ये भी अच्छा करेगी। इस मूवी का इतना हाइप था, इस वजह से काफी सारी मूवीज जो रिलीज होने वाली थी बॉलीवुड की वो पीछे शिफ्ट कर दी गई। तो ये वर्थ हाइप निकलेगी, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हाँ होगी, तभी इतना ज्यादा हाइप भी है और लोगों को फर्स्ट पार्ट भी समझ आया था, तो सेकंड पार्ट भी ऑब्वियसली उसका ही इंतजार कर रहे थे, तो आई गेस वो भी उतना अच्छा होगा। इसमें संजय दत्त की एंट्री हो, तो संजय दत्त के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपने आप में एक क्लासी एक्टर है, तो साउथ के अंदर उनका भी एक बहुत बड़ा, मतलब इस मूवी के थ्रू आई गेस कि उनका बहुत बड़ा रोल मिल रहा है, जिसमें वो विलन के रूप में भी हम देखने को मिलेंगे, तो आई गेस वो भी बहुत अच्छा होगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये मूवी इतना कमा पाती है या नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतर पाती है या नहीं। आप भी ये मूवी देखने जाएं और अपने रिव्यूज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और फॉलो करें।